नमस्कार, जम्मू कश्मीर की खास बुलेटिन देख रहे हैं आप और मैं हूं चेतना शर्मा आपके साथ। चलिए शुरुआत करते हैं पहली खबर से। फूड एंड सप्लाई के अधिकारियों द्वारा वेयरहाउस के कुछ व्यापारियों के साथ कथित तौर पर बदसलूकी करने वाले अधिकारियों के खिलाफ प्रशासन ने जांच बिठा दी है। वेयरहाउस के व्यापारियों ने आज प्रदर्शन करते हुए जहां कल जम्मू बंद की कॉल दी थी, वहीं सप्लाई रोकने का ऐलान भी कर दिया था। व्यापारियों के इस प्रदर्शन व प्रदर्शन में लिए गए फैसलों की जानकारी मिलते ही प्रशासन भी सख्ते में आ गया, जिसके बाद जम्मू के एडिशनल डिप्टी कमिश्नर मिंगा शेरपा मौके पर पहुंचे और इस पूरे मामले की जांच करवाने और आरोपियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करने का आश्वासन दिया। तो इनको हमने आश्वासन दिया है कि जो भी इनके इश्यूज हैं इनको टेकअप करते हुए हम इंक्वायरी करेंगे कि आज में जो भी एक्टिविटीज हुई थी, कैसे हुई, क्या हुई, तो उसका जल्द से जल्द हम इंक्वायरी करके आपको जो भी है इनका रिजल्ट हम उनको बता देंगे। नहीं, इसी के लिए जैसे आपको मैंने कहा, जब इस घटना की हम जाँच करेंगे तो इसमें कहाँ भूल हुई, कहाँ चूक हुई, उसको चेक करेंगे, तो उससे हम इंश्योर करेंगे कि आगे से वो ना हो। पहले हम देखेंगे कि क्या है, उसके बाद जो भी डिपार्टमेंटल एक्शन होती है हम उसको देखेंगे आगे कैसे करना है। मुझे आज ADC साहब की तरफ से आश्वासन मिला है उस अफसर के ऊपर इंक्वायरी ऑर्डर होगा और आइंदा से इस तरह का बर्ताव जो है, इस तरह की जो बातें दोबारा ना घटे, और ये इंश्योर करके जो है हमने इस स्ट्राइक को कॉल ऑफ किया है। और मैं तमाम आप सबका और सारे वेयर हाउस के व्यापारियों का, जिस तरह से उन्होंने यूनाइटेड होके जो है सबको इस मसले को जो है शांतिपूर्ण ढंग से उठाया है, हमेशा जो है हम अपनी बात जो है शांतिपूर्ण ढंग से रखते हैं, लेकिन हमारी सम्मान के ऊपर कोई भी ठेस पहुंचाएगा, सम्मान के लिए हम जीते हैं, सम्मान के लिए मरते हैं। 200 करोड़ रुपए का टैक्स कलेक्ट करके हम सरकार को देते हैं हर महीने, और हमारे ऊपर ऐसा बर्ताव, और हम जो है आज जो है कॉल ऑफ जो है स्ट्राइक जो है ऑफ की है ये ADC साहब और SP मैडम के आश्वासन से। जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी ने दावा किया है कि सत्ता में आने पर वह जम्मू कश्मीर को राज्य का दर्जा दिलाने के लिए जद्दोजहद जारी रखेगी। इसके अलावा स्टेट सब्जेक्ट को दोबारा बहाल करने के लिए अपनी पार्टी द्वारा कानून बनाया जाएगा। अपनी पार्टी के प्रवक्ता निर्मल कोतवाल ने जम्मू में आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान ये सभी दावे करते हुए युवाओं की उम्मीदों पर भी खरा उतरने की बात कही। और इस वक्त हम ये चाहते हैं जैसे स्टेटहुड है हमारा वो वापस आना चाहिए, स्टेट सब्जेक्ट जो है उसको हम रेस्टोर करवाएंगे, उसके लिए कोई भी कानून बनाना पड़े अगर अपनी पार्टी को मौका मिलता है उसका कानून बना के स्टेट सब्जेक्ट जो है वापस लाएंगे, ये अपनी पार्टी जो है इसके लिए कारबंद है। और जो अनएम्प्लॉयमेंट का इशू है यूथ का, उसके ऊपर भी हम जो है काम कर रहे हैं, क्योंकि इस वक्त अलार्मिंग सिचुएशन है जम्मू कश्मीर में। 46 point something जो है यूथ जो है अनएम्प्लॉयमेंट में है, 25 साल से लेकर 40 साल तक। और इसके अलावा और बहुत सारे मुद्दे हैं जैसे मैंने हाईलाइट किए हैं अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में, तो उन सब के ऊपर हम जो है वर्क कर रहे हैं। प्रेस कॉन्फ्रेंस जमीनों के मुआवजे और PMAY में हुए कथित घोटालों को लेकर आम आदमी पार्टी के नेता व पूर्व मंत्री हर्षदेव सिंह ने DC उधमपुर के कार्यालय के बाहर धरना प्रदर्शन किया। पूर्व मंत्री ने आरोप लगाया कि विकास कार्यों के अधीन आई जमीनों और PMAY के तहत लोगों के मकानों का पैसा भ्रष्ट अधिकारी हड़प कर गए हैं, और इस घोटाले के सबूत उन्होंने DC उधमपुर को भी दिए थे। हालांकि इसके बावजूद भी अभी तक भ्रष्ट अधिकारियों और कर्मचारियों पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। किसी की कोई सुनवाई नहीं हो रही है, त्राही त्राही कर रही है आम जनता, और गरीब आदमी की तो खाल उधेड़ी जा रही है। सरकार के अंदर उसकी बात सुनने के लिए कोई तैयार नहीं है। गरीब आदमी को कीड़े मकोड़े की तरह समझा जा रहा है सरकार द्वारा। उनके जमीनों का मुआवजा लूट लिया इन भ्रष्ट अधिकारियों ने, जमीनों के पैसे लोगों को नहीं दिए गए, मकानों के पैसे लोगों को नहीं दिए गए जिनके मकान बर्बाद किए गए। बारिश में इतने मकान ढह गए कोई पूछने वाला नहीं है, और 10-10 साल पहले ये मकानों का पैसा जो है वो रिलीज हुआ था, और उस पैसे को भ्रष्ट अधिकारियों ने लूट लिया। मैंने सबूत समेत पेश किया था डिविजनल कमिश्नर के समक्ष, और उन्होंने कहा था इंक्वायरी होगी। आज 10 दिन से ज्यादा हो चुके हैं, हमने 10 दिन का टाइम दिया था, लेकिन कोई कार्रवाई उन भ्रष्ट अधिकारियों के खिलाफ नहीं हुई जिन्होंने गाँव के गरीब लोगों के मकानों के पैसे खा लिए हैं। और भारी पैमाने के ऊपर गबन जिस तरीके से हो रहा है वो नाकाबिले बर्दाश्त है। गरीब के साथ जाती हम नहीं दे सकते, जमीनों का मुआवजा देना होगा।
कश्मीर घाटी में तैनात किए गए जम्मू के आरक्षित वर्ग के मुलाजिमों ने सरकार पर उनकी मांगों को पूरी करने के बजाय ड्यूटी पर पहुंचने के आदेश जारी करने का आरोप लगाया है। इन मुलाजिमों के मुताबिक वो अपनी जानों को खतरे में नहीं डाल सकते और अगर उन्हें कुछ होता है तो इसकी जिम्मेदार सरकार होगी। आरक्षित वर्ग के इन मुलाजिमों ने जम्मू में आज भी उनके लिए ट्रांसफर पॉलिसी की घोषणा करने की मांग को लेकर प्रदर्शन किया। बहुत सारे ऑर्डर्स ऐसे निकाले जा रहे हैं, खास तौर पर मैं डायरेक्टर स्कीम्स की बात करता हूँ, आपके सामने ये ऑर्डर मैं रखता हूँ। डायरेक्टर स्कीम जो है वो जोर जबरदस्ती के साथ ये हमारे मुलाजमों को फोर्स कर रहे हैं कि वो ड्यूटी को रिज्यूम करें। अगर ऐसी स्थिति में किसी मुलाजिम के साथ कोई अनवांटेड इंसिडेंट होता है तो ये डायरेक्टर स्कीम्स की जिम्मेवारी रहेगी। अगर वो किसी मुलाजिम की सेफ्टी और सिक्योरिटी को इंश्योर नहीं कर सकते तो उनको ये चाहिए कि ऐसे ऑर्डर्स ना निकालें। ऐसे ऑर्डर से इन कर्मचारियों में विश्वास पैदा नहीं होगा। जब तक हम यहाँ धरने पे बैठे हैं, एक लोकतांत्रिक व्यवस्था में हमारा अधिकार बनता है। मैं अपील करता हूँ एलजी साहब से कम आप इंटरवीन कीजिए और डायरेक्टर स्कीम्स को ये निर्देश दें कि किसी भी कर्मचारी को ड्यूटी को रिज्यूम करने के लिए फोर्स ना किया जाए। ऐसी स्थिति में अगर ये कर्मचारी सड़कों पर उतरते हैं तो इसकी जिम्मेवारी डायरेक्टर स्कीम्स की होगी। महाराजा हरि सिंह के जन्मदिवस पर सरकारी अवकाश की मांग को लेकर जम्मू में आंदोलन जारी है। सभा को कई अन्य संगठनों का समर्थन भी मिल रहा है, जिसके चलते युवा जट सभा ने भी आज धरना स्थल पर पहुंचकर इस आंदोलन में अपना साथ देने की बात कही। सभा के प्रधान ने आरोप लगाया कि सरकार को इस आंदोलन से कोई लेना देना नहीं है, जिसके चलते तवी पुल पर लगी धारा 144 के बावजूद आने वाले दिनों में यहां जोरदार प्रदर्शन किया जाएगा, जिसमें जम्मू के कई लोग शामिल होंगे। एडमिनिस्ट्रेशन कोई नहीं वधिया ते एडमिनिस्ट्रेशन ही कोई बैठा कोई खड़ोवे उन्हें कोई लेना देना नहीं एडमिनिस्ट्रेशन ने। बाकी सारा संघर्ष चला दा एक दो दिन बिच जे 144 दफा लाई दी ओदे बारे जिथे प्रोटेस्ट होना आवंदन बंदे लोग आखे करना मैं करो। पहला असा रोके दा लेकिन हुन रोकना नहीं है। हुन जेड़े प्रोटेस्ट न वह लोग करेंगे तो करेंगे ना, लोग नहीं रोक गया भाई हूँ, क्योंकि जी जम्मू की आवाज़ है और दबोने देनी है बड़ी रोकी है। हूँ जिस ढंग ने चाहते उस ढंग के बाहर आ गए। कल साढ़े 10 बजे हो जाए तो कल साढ़े शामी और भी जो संगठन उनके कन्ने बैठिए अपनी गलबात करिए सलाह मशवरा करिए आने वाले दिन की जो रणनीति है वह तुम कल सुनाई गई। जम्मू कश्मीर प्रोजेक्ट्स कंस्ट्रक्शन कॉरपोरेशन के मुलाजिमों को भी पिछले कुछ महीने का वेतन नहीं मिल पाया है। इन मुलाजिमों ने कॉरपोरेशन के जम्मू मुख्यालय के बाहर आज प्रदर्शन कर सरकार के खिलाफ अपनी भड़ास निकाली। इन मुलाजिमों के मुताबिक वेतन न मिलने से उनकी माली हालत बेहद खराब हो चुकी है और उनके बच्चों को भी अब स्कूलों से निकाला जा रहा है। लास्ट 4 महीने से हमारी सैलरी बिल्कुल बंद है। हमारे बच्चे इस टाइम भूखे मर रहे हैं, हमारी फैमिलियां सफ़र कर रही हैं, हमारे बच्चे सफ़र कर रहे हैं। बच्चों की फीस तक हम नहीं भर पा रहे हैं कि लास्ट 4 महीने से हम सैलरी बंद है। हम पिछले एक हफ्ते से ज़बरदस्त प्रोटेस्ट कर रहे हैं मगर मैनेजमेंट टस से मस नहीं हो रही है। लिहाजा हमें बड़ी मजबूर होके आज हम इस लेवल तक पहुँचे हैं कि हम मुझे लगता है मुलाजिम खुदकुशी करने पे आए हुए हैं, क्योंकि आज हमारे बच्चों को स्कूल से निकाला जा रहा है। हम आपको कापियां देंगे कि हमारे बच्चों को वहां से नोटिस दी जा रही है कि बच्चों की 5 महीने की फीस हमें पेंडिंग है। आप बताइए मैनेजमेंट टस से मस नहीं हो रही है। ऐसा नहीं है कि पैसा है हर चीज़ है, मगर हम इस चीज़ को लेकर परेशान हैं कि मैनेजमेंट टस से मस क्यों नहीं हो रही, कि हमारी सैलरी इतना क्या हो गया कि हमारी सैलरी 4 महीने से पेंडिंग है। पशुपालन विभाग द्वारा आरएसपुरा में आज एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें पशुओं में फैली लंपी स्किन बीमारी की दवाइयों की किट्स डॉक्टरों को मुहैया करवाई गई। इस मौके पर 14 डॉक्टरों को दवाइयों की किट्स दी गई ताकि वो अपने अपने इलाके में उन्हें दी गई जिम्मेदारी पूरी कर सकें। पूर्व मंत्री व भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश उपाध्यक्ष श्यामलाल चौधरी, एसडीएम रामलाल, म्यूनिसिपल कमेटी के चेयरमैन सतपाल पप्पी और विभाग के अधिकारी भी इस मौके पर मौजूद थे। तो
महाराजपुरा में हम सब जहां आए, हमारे एसडीएम महाराजपुरा, हमारे म्यूनसिपलिटी के चेयरमैन, वाइस चेयरमैन, काउंसलर, सरपंच और आज एलडीओ ऑफिस में ये जो गाय को खासकर डिजीज आई है, बीमारी आई है एलएसडी, उससे काफी नुकसान हुआ है। मैं तो कहूँगा जो गरीब आदमी जिसने गाय गवर्नमेंट से सब्सिडी से उनको मिली थी, उनकी गाय भी काफी बीमार होगी और बीमारी से कई लोग गाय का डेथ भी हो चुकी है और उसके लिए भी डॉक्टर ने काफी काम किया, लेकिन उसमें आज ये जो 14 डॉक्टर इस हमारे एरिया में आरसपुरा, बिछनार, अररिया, सुचेतगढ़ और इस सारे तहसीलों के जितने भी 14 डॉक्टर हैं वो आज यहाँ आया, इन सबको मेडिसिन की किट मिली है, जो एक मेडिसिन की बाटल है उसमें 100 इंजेक्शन है, तो 100 इंजेक्शन 6 घंटे के अंदर ही लगना है और उन गाय को लगना है जिन गाय को ये डिजीज नहीं आई, जिनको डिजीज आई है उनको ये नहीं लगना है, जो इस लगने से वो गाय ज़्यादा बीमार हो सकती है। कई हमारे लोग ये कहेंगे कि हमारी गाय को अगर डिजीज आई है तो उसको भी इंजेक्शन लगाओ, उन लोगों को भी समझने की ज़रूरत है, तो मैं तो कहूँ कि वो समझे, उसको ये इंजेक्शन नहीं लगेगा। रामबन में आज शिक्षा विभाग द्वारा शरूर कंगा क्लस्टर के प्राइमरी स्कूल में सांस्कृतिक व अन्य गतिविधियों का आयोजन किया गया। इन गतिविधियों में क्लस्टर के 15 स्कूलों के बच्चों ने भाग लेते हुए अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन किया। इस पूरे कार्यक्रम का आयोजन रामबन के जोनल एजुकेशन ऑफिसर फिरदौस अहमद की देखरेख में किया गया था। मैं दिल से जेड इंफॉर्मेशन का शुक्रिया अदा करना चाहता हूं, क्योंकि पहले तो हमें साल में 2 ही मौके मिलते थे और आज एक और मौका मिला है जिसके लिए, क्योंकि हमें अब हम अपने अंदर का टैलेंट छुपा हुआ लोगों तक पहुंचा सकते हैं। पहले नंबर में तो एजुकेशन डिपार्टमेंट का दिल से शुक्रिया करता हूँ, क्योंकि हमें साल में सिर्फ 2 ही मौके मिलते थे अपने टैलेंट को जाहिर करने के, लेकिन एजुकेशन डिपार्टमेंट की वजह से आज हमें फिर से एक और मौका मिला है जिससे कि हम अपने टैलेंट को जाहिर कर सकते हैं। आज हम कल्चर लेवल पर, कल हम जोन लेवल पर भी होंगे, आगे आगे हम स्टेट लेवल तक भी जा सकते हैं खेलने, इसलिए मैं एजुकेशन डिपार्टमेंट का दिल से शुक्रिया करता हूँ। जम्मू को अलग राज्य का दर्जा देने की मांग को लेकर एकजुट जम्मू पार्टी द्वारा बिश्नाह में हस्ताक्षर अभियान चलाया गया। इस अभियान की अगुवाई एकजुट जम्मू की युवा इकाई के प्रधान अजय सिंह सैनी ने की। उन्होंने आरोप लगाया कि देश के साथ विलय के बाद से ही सभी सरकारें जम्मू के लोगों की अनदेखी करती आ रही हैं। सरकार द्वारा टैक्स जम्मू से वसूला जाता है और फायदा कश्मीर को दिया जाता है। उन्होंने बताया कि इसी भेदभाव को दूर करने के लिए ही एकजुट जम्मू पार्टी ने यह अभियान शुरू किया है। बताना चाहते हैं कि जिस तरह एकजुट जम्मू पार्टी का स्टैंड रहा है कि जम्मू के इश्यूज को लेकर हम हमेशा लड़ते आए हैं, और जिस तरह आज कश्मीर आज़ाद होने के बाद, 1947 के बाद देश आज़ाद होने के बाद कश्मीर का जो गुलाम है वो जम्मू बन गया है, उस चीज़ से निजात पाने के लिए जिसमें आ जाती है कि आज तक हमारे जम्मू को हमारे राइट्स नहीं दिए गए। एम्प्लॉयमेंट में बात की जाए तो हमें हमारे राइट्स नहीं मिले, डेवलपमेंट वहाँ की हुई है, टूरिज्म की बात करूँ तो टूरिज्म वहाँ का एक्सप्लोर होता है, हर चीज़ जो है वहाँ की दी वहाँ पर दी जाती है और जम्मू से सिर्फ कर वसूला जाता है। जैसे कि आप देख लें आज जो वाइन शॉप्स हैं 300 के आसपास यहाँ जम्मू में है, जो टोल प्लाजा है यहाँ पे इतने 5 के करीब हैं, पर वहाँ पर किसी भी तरह का कर वसूला नहीं जाता, कर सारा वसूला जाता है जम्मू से और जितने भी बेनिफिट्स हैं, क्रीम है, वो कश्मीर को पहुँचाई जाती है। जनता की समस्याओं के समाधान के लिए प्रदेश भाजपा द्वारा हर संभव प्रयास किए जा रहे हैं। जनता की समस्याओं के हल के लिए भाजपा नेताओं द्वारा जनता दरबार का आयोजन कर लोगों को पेश आ रही समस्याएं सुनी जा रही हैं। इसी कड़ी में आज पार्टी के जम्मू मुख्यालय में जनता दरबार का आयोजन किया गया, जिसमें भाजपा के पूर्व मंत्री सत शर्मा, पूर्व विधायक अश्विनी शर्मा व पार्षद संजय बड़ू ने लोगों की समस्याएं सुनी। इस दौरान कुछ समस्याओं का समाधान इन नेताओं ने मौके पर ही कर दिया, जबकि अन्य समस्याओं को जल्द हल करवाने का आश्वासन दिया गया। डेवलपमेंट के मुद्दों को लेकर जो हमारा महानगर है, जिसमें हमारे मुख्यतः रूप से जो 75 वार्ड आते हैं, यहाँ पर कुछ डेवलपमेंट के मुद्दों को लेकर थी, बिजली की समस्या को लेकर, पानी की समस्याओं को लेकर, और हमारी यही कोशिश रहती है कि जितना कुछ भी संभवता हम लोग टेलीफोन के ऊपर कर पाते हैं उनकी समस्याओं को सुनकर उनको दूर करने का प्रयत्न करते हैं। कुछ जगह पर अगर जाने की ज़रूरत पड़ती है
मैं या हमारे अश्विनी जी या संजय बड़ू जी जो हैं वो जाते हैं, मैं केंद्रीय हमारे जो खास तौर पर जम्मू कश्मीर के अध्यक्ष और उनकी पूरी टीम आभार पर उनका आभार प्रकट करना चाहता हूं कि हर रोज़ यहां पर पार्टी की तरफ से सीनियर लीडरशिप बैठती है, लोगों की दुख समस्याएं सुनते हैं और उनको दूर करने का प्रयत्न करते हैं। गणेश चतुर्थी पर आज जम्मू के लक्ष्मी नारायण मंदिर में भगवान श्री गणेश जी की मूर्ति स्थापित की गई। इस मंदिर में हर साल यह त्यौहार धार्मिक हर्षोल्लास के साथ मनाया जाता है और विसर्जन के दिन गणपति की मूर्ति जल स्रोतों में विसर्जित की जाती है। आज मंदिर समिति के प्रधान ठाकुर गुलचैन सिंह चाड़क की अगुवाई में श्री गणेश जी की मूर्ति स्थापित की गई और भारी संख्या में कई अन्य श्रद्धालुओं ने भी अपनी हाजिरी देकर अपनी आस्था का परिचय दिया। पूरे भारतवर्ष के अंदर नहीं, पूरे ब्रह्मांड के अंदर जहाँ जहाँ भी हिंदू हैं, बड़े खुशी से इन दिनों ये गणेश उत्सव जो है ये मनाते हैं। लक्ष्मी नारायण मंदिर मैनेजमेंट ट्रस्ट ने यही फैसला किया था कि हम हर साल गणेश जी का यहाँ मंदिर है, उनकी मूर्ति यहाँ स्थापित की हुई ऑलरेडी, हर साल हम मूर्ति लगाएंगे और विधिपूर्व तरीके से ये हम उत्सव मनाएंगे। तो आज उसका पहला दिन है, आप जानते हैं गणेश चतुर्थी का त्यौहार आज स्टार्ट हुआ है। आज बहुत अच्छी खूबसूरत मूर्ति अभी आपके सामने आ रही, उसकी यहाँ स्थापना होगी और ये 10 दिन 9 तारीख तक ये उत्सव चलेगा। लास्ट दिन ये मूर्ति का विसर्जन जो है वो 10 तारीख को 9 तक प्रोग्राम चलेंगे, 10 को चिनाब दरिया के अंदर विसर्जन हम करेंगे। तो इस शुभ अवसर पर मैं अपनी तरफ से, ट्रस्ट की तरफ से सबको बहुत बहुत शुभकामनाएँ और बहुत बहुत बधाई दें। जम्मू शहर से सटे गांवों परगालता के लोगों ने सरकार से सड़क और गांव की लिफ्ट इरिगेशन स्कीम की जल्द मरम्मत करने की मांग की है। ग्रामीणों का कहना है कि बारिश के दौरान सड़क की हालत खस्ता हो चुकी है, जिससे उनका आना जाना मुश्किल हो रहा है। यही नहीं, बारिश के कारण लिफ्ट इरिगेशन परियोजना भी खराब हो चुकी है, जिससे किसानों को सिंचाई के लिए पानी नहीं मिल रहा है। दिक्कत सर बहुत ज्यादा परेशानी है, आप देख ही जाए, अब रास्ते पे आए होंगे। और ये फ्लड का पहला मुद्दा तो है, फ्लड आया बिल्कुल 4-5 दिन रोड बंद रहे हमारे, और जहाँ के जो नुमाइंदे हमारे पंच सरपंच उन्होंने खुद अपनी जेब से पैसे डालकर रोड को JCB लगा के रोड क्लियर किया और लोगों को आने जाने का रास्ता मिला। और दूसरा नंबर जो सर है हमारा, जो बीमारी आई है गाय को, इसका कोई सोल्यूशन नहीं निकाली है गवर्नमेंट। गवर्नमेंट से हम अपील करेंगे कि इसका जल्दी से जल्दी सलूशन निकाला जाए। ये गल आखंग जी, कुप्पड़ परगालता रोड है जेड़ा, वो बरखा होंदिया जल्लै ते सर्विस बंद होई दी, बच्चे स्कूल जाना होंदा ते वो परेशानी आउंदी आ, वो जेड़ी पुलियां प्लान च ने उसी जल्दी कोला जल्दी काम लाया जा, कि ये परगालता रोड च जेड़ियां आउंदियां पुलियां उसी जल्दी कोला जल्दी काम लगाया जा। और कुप्पड़ परगालते च एक लिफ्ट इरीगेशन है बंद पेदा, वो किसानें की फायदा हो सकता, उसी दोबारा चलाया जा, कि वो 2014-15 जा हड़ आया हा, तो जेड़ा गारा शारा पई हा वो चलिया नहीं है, उसी मेहरबानी करिए सरकार ये गल करे, उसी दोबारा थोड़ा पैसा प्लान च रखिए लिफ्ट इरीगेशन ही चला, और किसानें की फायदा होंदा, तां गै किसान जेड़ा अगे बधी सकदा, जेड़ी किसानी जेड़ी एदे पर गौरमेंट जोर देआ दी है, दूनी आमदन कीती जा, लेकिन अस किसान कन्ने सरकार ते किसान कट्ठे चलगन, एक एक 11 होई सकदे ने, तां गै देश दा भला होई सकदा, तां गै किसानी चल सकदी है और लिफ्ट चलनी चाहिदी है। नहर की मरम्मत न होने से आरएसपुरा और बिश्नाह के किसानों की परेशानी पर चिंता की लकीरें साफ नजर आ रही हैं। किसानों का आरोप है कि मौजूदा समय में धान की फसल को पानी की सख्त जरूरत है, लेकिन सिंचाई विभाग नहर की मरम्मत को लेकर गंभीर नजर नहीं आ रहा है। किसानों के मुताबिक नहर को टेप 15 दिन से भी अधिक दिनों का समय बीत चुका है, लेकिन सिंचाई विभाग ने नहर की मरम्मत को लेकर कोई कदम नहीं उठाया। इन लोगों के मुताबिक सिंचाई विभाग की नहर की मरम्मत में देरी किसानों पर भारी पड़ रही है। गल कहना चाहते हैं कि डिपार्टमेंट जी, यही साडिया नहर पानी इसलिए आंदा नहीं पाया, दरबतू नहर जी टुट गई है, रुड़ गई है, तो वो उत्थे नहर जी बना कोई नहीं, वो काफ़ी देर 15-20 दिन हो गए हैं, असं अगे भी 2-4 बारी अपील कर बैठे हैं,
इन्हां ने बिल्कुल कोई सुनाई नहीं हुई अज तक साड़ी। तो नहरां सारियां सुकी दियां, पानी की बहुत सख्त जरूरत है। फसलां साड़ियां हले सोगी दियां, बारिश काफ़ी देर पहले हुई सी, इसलिए पानी जमीनां विच बिल्कुल सुक गया है। सानू पानी की बड़ी सख्त लोड़ है। जमींदार बेचारे तो मारे जाणगे अगर पानी ना आया, तो फसल का बड़ा सत्यानाश हो जाना। एक तो उधरों फसल में बीमारियां होर नवीं हुई लगदियां पईयां, उन्हूं पानी चाहिए। दवाई स्प्रे की असा तो पानी नहीं मिलता पाया, सारे बंदे तो बंबियां ला नहीं सकते। इस करके ही डिपार्टमेंट अगर अपील करना चाहते हैं, मेहरबानी करके नहर जी जल्द तो जल्द बनाई जाए, किसानों थोड़ी सहूलत हो, पानी जरा जमीन सारा लगाया जाए ताकि फसल हो जाए, किसान थोड़े बच जाएंगे। मेहरबानी। बारिश की वजह न पानी थोड़ा जा पहले तो आयो, नहर तो रुड़ी है बारिश के नाल ही, बारिशा बुरशा हुई काफ़ी पानी आया, नहर रुड़ गई, लेकिन वो रुड़ियाँ तो डिपार्टमेंट ने देखना चाहिए कि अगर जिते रुड़ी है उन्होंने नहर की मरम्मत करनी चाहिए, नहर न बनाना चाहिए। मेहरबानी करके नहर जी जल्द जल्द बनवाई जाए ताकि जमींदार बेचारे जो अपने पानी ला के अपना फसल जरा सामभ सकन। जी साड़ी इरीगेशन डिपार्टमेंट है नहर की, इन्होंने चाहिए कि पहले नहर साड़ी जल्दी जल्दी बनाना बनानी चाहिए है, क्योंकि अज तो 15 दिन पहले बारिश बहुत ज़्यादा बारिश हुई ही, उस बारिश की वजह से साड़ी नहर दड़प जी रुड़ गई है। वो नहर रुड़ने की वजह से साड़ी नहर च 15 दिन का पानी नहीं आया नहर के, और साड़ी जी फसल इस टाइम पक के बड़ी फसल इस टाइम तैयार हुई है, तो इनू पानी की बहुत ज़्यादा जरूरत है। और साडे इलाके चार पैदा रामगढ़ पैंती है, जोईया पंडोरिया आरसपुरा दलवैड़ सैड जिन्हें नहर सारिया वजह न बंद पे, और ज डिपार्टमेंट ने चाहिए कि जल्दी जल्दी काम शुरू करके और किसानों वीर पानी दी देन, क्योंकि किसान पानी पिछली बार भी बारिश बहुत ज़्यादा होने की वजह नाल जिहड़ी साडी मुंजी फसल ही ये बहुत ज़्यादा जी नुकसान हो गई, अही चावल नहीं बहुत घट खा सके इस बार, और यदि वजह नाल पहले सानू पिछली बार मुआवजा जोड़ा अही किया बकायदा इंश्योरेंस भरता अपनी मुंजी का, सानू अब तक मुआवजा नहीं पिछली बार का मिले तक, तो दूसरी बार फिर इस बार साड़ी जी है ये फसल है फिर खराब होने आ गई है। जे सानू और 10-15 दिन पानी सानू नहीं मिले तो जी साड़ी मुंजी है ये सानू नहीं इस टाइम चल सकती, क्योंकि मुंजी ने गभे फस गई है और बार मुंजर नहीं कटनी है, इस वजह सानू बहुत ज़्यादा नुकसान होने की उम्मीद है इस बार भी। इस वास्ते सानू यह डिपार्टमेंट अगर अपील है कि जल्दी जल्दी जी नहर दड़प रुड़ी दी है उस नहर की मरम्मत की जाए। सड़क की खस्ता हालत को लेकर जम्मू के ब्लॉक भलवाल की पंचायत कोट भलवाल के लोगों में भारी रोष है। लोगों का कहना है कि उनके गांव की सड़क नाले में तब्दील हो चुकी है और बार बार शिकायत करने के बावजूद भी इसकी मरम्मत नहीं हो पा रही है। उन्हें आने जाने में परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है और संबंधित विभाग लंबी ताने सोया हुआ है। आठ दस साल हो गए, पहले हमें कोई पानी शानी यहाँ नहीं था, बिल्कुल रोड पक्की थी, लुक ब्लैक टॉप पड़ा हुआ था। ये 2-3 साल 17 से के बाद में ये फ्लड आना शुरू हो गया जनाब, तो यहाँ चलना बहुत मुश्किल हो गया है, और बच्चे बच्चे वगैरह जो भी है तो आने जाने के लिए बड़े प्रॉब्लम हो रही है। हमने जनाब PWD वालों को DC साहब को भी 2018-19 में प्रोटेक्ट किया था, मगर अभी तक कोई सुनाई नहीं है। पिछले साल फिर जनाब हमने JPWD वगैरह के पास जाकर फिर हमने इल्तजा की उनको कि भाई हमें ये रोड और ये बननी चाहिए, तो जनाब उनने वो कुछ निवाड के तहत कुछ कागज वागज फिर बनाए जनाब, अभी तक कुछ नहीं हो रहा है, लिहाजा हम मजबूर हैं। हमें बच्चे पढ़ाने के लिए तो हम यहाँ बैठे थे, तो हम न बच्चे पढ़ाने के काबिल हैं और न बैठने के काबिल हैं, हमें बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो रही है। जनाब से गवर्नर साहब से इल्तिजा हमारी यही है कि हमारा कुछ ख्याल रखा जाए, ये क्योंकि गवर्नमेंट जो है तो सोई हुई नजर आ रही है। इस चीज़ का नहीं पता, लेकिन पानी तब से ही आ रहा है, 4-5 साल हो गए ना, तो इस रोड का कोई काम आ रहा है ना, कुछ बनता है ना कुछ होता है। जब भी ये पानी आता है, नाला बहता है, पानी आता है, रोड खराब हो जाती है। हम सारे पूरे मोहल्ले वाले हम ग्राई करके अपने 200-300 जितना भी आता है वो डलवा के मशीनें लगा के ये रोड साफ करते हैं, और हमें पानी की इतनी ज्यादा दिक्कत है, पीने के लिए सप्लाई हमें बिल्कुल भी नहीं है। ये पूरा पानी बारिश की वजह से सारा बह गया, अब 4-5 साल हो गए यहाँ पानी आते हुए, कुछ भी इसका कोई मसला हल नहीं हो रहा है, कुछ नहीं हो रहा है। जो लोकल सरपंच है वो क्या इन चीजों पे संज्ञान नहीं लेते हैं? कोई कुछ नहीं, हमें यहाँ तो कुछ नहीं देखा। जब बोर्ड मांगने आते हैं ना, तभी जब बोर्ड होते हैं तब वो आते हैं, तब उनको जरूरत हुई है। चलिए बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, दीजिएगा इजाजत, नमस्कार।